गुड मॉर्निंग भैया वाहन, मैं विमल कुमार आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बागमारा। जैसा कि आप लोग पूर्व से ही जानते हैं कि लॉकडाउन में घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं घूमना है। सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय अभी बंद है, लेकिन हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती शर्मिला कुमारी द्वारा सभी आचार्य बंधु भगिनी के साथ एक बैठक कर यह व्यवस्था बनाई गई है कि आप लोग का पढ़ाई बाधित नहीं हो और आप लोग आचार्यों द्वारा जो अभी YouTube ये पढ़ाई चल रहा है तो इसका आपको लाभ मिल सके, लाभ उठा सके। तो हमारे प्यारे भैया बहनों, मैं आप सबसे दो शब्द ये पाठ को शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में विद्या मंदिर के आचार्यों के द्वारा जो भी आपको 6 to 10 विषय की जानकारी दी जा रही है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल, संस्कृत, तो इसको आप अपना एक कॉपी बनाकर फिर उसमें आप लिखते जाएंगे और ज्ञान या जानकारी वही होता है जिसको आप व्यवहार में लाते हैं। जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको आप अपने व्यवहार में लाएंगे। आपके माता पिता को आप पर गर्व होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। शिक्षा का उद्देश्य है कि जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको आप अपने व्यवहार में उतार कर समाज में, विद्यालय में फैलाएं, अधिक से अधिक लोग आपके व्यवहार से प्रभावित हो, खुश हो, तभी शिक्षा सार्थक मानी जाती है। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, आज कक्षा 1 इतिहास विषय पाठ एक कब कहां और कैसे, इस पाठ का प्रतिपादन मैं करने जा रहा हूं। पूर्व में मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 क्लास के इतिहास का सारा स्टडी मटेरियल और प्रश्न उत्तर मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया हूं। आशा है कि वह आपको मिल गया होगा और आप उससे लाभ उठा रहे होंगे। तो जो कुछ भी भेजा गया है मेरे द्वारा इस विषय से संबंधित, तो वह आपके पास मौजूद है, मटेरियल है, लेकिन उसको अब हम एक बार पॉइंट वाइज उसको आपको समझा रहे हैं ताकि जो आपके पास मटेरियल है उसको आप देख करके आप समझ सकें, आपको दिक्कत नहीं हो। तो कब, कहां और कैसे, पाठ 1 इतिहास। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग जानते हैं कि इति जो रहा बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं। इतिहास के बारे में कहा गया है कि इतिहास रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को दोहराता है। इसके अलावा जो इतिहास का अर्थ होता है वह इतिहास पूर्व में हुए लोगों, स्थानों, घटनाओं का काल कर्मानुसार जो विवरण दिया है गया है उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, उसकी धार्मिक विश्वास और व्यवसाय एवं पूर्व की सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्थाओं का विवरण है उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास क्या है इसको जानना जरूरी है क्योंकि हम इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। ऐसे इतिहास के बारे में कहा जाता है कि उत्थान और पतन की कहानी को भी इतिहास कहते हैं। जितने भी इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें कैसे उदय हुआ और कैसे उसका पतन हुआ उससे हम सीख लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या ऐसी गलती की जिसका खामियाजा हम सबों को भुगतना पड़ा। उसे सीख लेके फिर उससे हम सीखते हैं, अपने जीवन में उसको सही करते हैं। उत्थान और पतन, कैसे उत्थान हुआ और कैसे पतन होता है, इससे हम सतर्क होते हैं, सबक लेते हैं और अपने जीवन को इतिहास के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से सफल बनाने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, तो इतिहास, उसके बाद है इतिहास में तिथियों का महत्व। तिथि डेट जो होता है, इतिहास और डेट तिथि एक दूसरे का पर्यायवाची माना गया है। तिथि के बिना इतिहास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतिहास तिथियों का ही काल क्रमानुसार एक विवरण है। तिथि के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास में कौन घटना कब घटी और उसके अनुसार उसको, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतिहास के क्रमिक और काल क्रमानुसार जो विवरण है उसकी जानकारी के लिए तिथियों का होना जरूरी है। तो तिथियों का महत्व,
उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो हम लोग सिक्स क्लास में पढ़े प्राचीन काल, सेवंथ क्लास में पढ़े मध्य काल, और एट क्लास में आधुनिक काल। तो आधुनिक काल यह जो है इसका काल विभाजन, काल विभाजन हमारे इतिहासकारों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने आधुनिक काल का काल विभाजन जो है इसको अपने अपने ढंग से किया है। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और विचारक जेम्स मिल ने इतिहास का काल विभाजन करते हुए इसे तीन भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई या ब्रिटिश, तीन भाग में इसको बांट के दर्शाया है। कुछ इतिहासकार इसको तीन भाग में बांटा है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ये जो आधुनिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये प्राचीन काल और मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल, वर्तमान में जो कुछ भी घटना घट रही है, आधुनिक काल 1745 से लेके 1945 तक या 47 तक कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम, तो इसको हम आधुनिक काल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आधुनिक काल, काल विभाजन, जेम्स मिल ने ये अपनी पुस्तक, एक पुस्तक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसी में इतिहास को तीन भाग, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तीन काल में इसको तीन भाग में बांट कर बताया था। तो अब है कि यह जो हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल भारत का आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास क्लास एट में हम लोग आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो आधुनिक इतिहास है तो मुख्य रूप से निम्नलिखित घटनाओं एवं गतिविधियों का इसमें समावेश है। ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट वाइज हम लिखे हैं, आप लोग इसको अगर दिखाई पड़ रहा है तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। तीसरा पॉइंट में देखिए, आधुनिक काल, काल विभाजन है और इसी में भारतीय इतिहास का काल विभाजन ब्रिटेन के जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखा है, आधुनिक काल में बांट कर किया है। यहाँ है कि भारत के आधुनिक इतिहास में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटनाओं एवं गतिविधियों का समावेश है। जो भारत का आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी जानकारी होना आपको जरूरी है, ताकि इस पुस्तक में है क्या, किस चीज का उल्लेख किया गया है, किस समय का उल्लेख किया गया है। तो मुख्य रूप से जो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और उसका उदय कैसे हुआ, तो आधुनिक काल के इतिहास में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन हमारे देश में आया, कब्जा किया और उसके बाद इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तीसरा है कि अंग्रेजों की आर्थिक एवं राजस्व नीतियाँ, अंग्रेज कैसे भारतीय जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, कैसे उसको ध्वस्त कर दिया, कैसे उसको पतन नष्ट कर दिया, और उसके ध्वस्त करके कैसे उसने अपना आर्थिक और राजस्व नीति तैयार किया, प्लान बनाया, और कैसे भारत पर इतने लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक उसने शासन करने में सफलता प्राप्त किया। चौथा पॉइंट है औद्योगिकरण का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे, इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश, तो सैनिकों को युद्ध में जो साजो सामान की आवश्यकता थी वह कल कारखानों में तैयार होने लगा। भारत में भी इसी दौरान कल कारखाने फिर से शुरू हुए, तो औद्योगिकरण का विकास शुरू हुआ। पांचवा है कि जो वर्षों बरस ये अंग्रेज, ब्रिटिश शासक हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, भारतीयों की आवाज़ को दबा रहा था, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, ये सब को जो हुआ नष्ट करने में लगा था, हमारी पहचान को मिटा रहा था, तो भारतीयों में इसके कारण आक्रोश और असंतोष उत्पन्न हुआ, और उसी आक्रोश और असंतोष का परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। छठा पॉइंट है, ये हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि आधुनिक जो काल, जो पुस्तक आपको चलती है, आधुनिक काल जो हम लोग एट क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें किन किन चीजों का उल्लेख किया गया उसके बारे में ये पॉइंट वाइज हम अभी आपको बता रहे हैं। तो छठा है इसमें कि नवीन शिक्षा प्रणाली, कि अंग्रेज का शासन हुआ, कब्जा किया, कैसे प्रशासन शुरू किया, फिर हुआ अपनी पहचान बनाने के लिए किस प्रकार हमारी पहचान को मिटाना शुरू किया,
अंग्रेजी भाषा को कैसे अनिवार्य भाषा बनाना शुरू किया, लॉर्ड मैकाले नवीन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भारत में कैसे किया, तो यह आधुनिक काल के इतिहास में इस सबकी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है सातवां कि अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ भी भारत में शोषण हो रहा था उसके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हो रहा था, कैसे राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीयों में धीरे धीरे पनप रही थी, धीरे धीरे उसका उदय हो रहा था। और अंत में आठवां पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी आप लोग जानते हैं, उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना ये ह्यूम 1885 में किया गया और उसी के छत्र छाया में उसी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा समय शुरू हुआ और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर लोगों में दौड़ने लगी। स्वशासन स्वराज ब्रिटिश को भारत छोड़ो आंदोलन ये सब जो है शुरू हुआ। तो मुख्य रूप से हम अभी जो आधुनिक इतिहास की किताब है उसमें जो आपकी किताब में दिया हुआ है ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है वहीं से हम लोग पढ़ा रहे हैं कब कहाँ और कैसे। तो इतिहास का क्या अर्थ है ये आप जान गए था। प्रश्न अगर आप बनाइएगा तो प्रश्न नंबर एक जो पॉइंट अभी बताए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर एक आप लोग लिख सकते हैं कि इतिहास का क्या अर्थ है। प्रश्न एक हुआ इतिहास का क्या अर्थ है, तो जो यहाँ पर हम बताए हैं जो लिखा हुआ है कि लोगों स्थानों और घटनाओं का क्रमिक और काल क्रमानुसार विवरण को इतिहास कहते हैं। इतिहास लोगों के उत्थान और पतन की कहानी है। इतिहास इतीज और ह्रास बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं। इतिहास जो हमारे पूर्वजों की जीवन शैली रीति रिवाज संस्कृति धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक विश्वास व्यवसाय पूर्वकाल के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का जो विवरण है वह इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का अर्थ जो है अगर पूछेगा तो ये एक प्रश्न बना लेना है। दूसरा है कि इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि तिथि और इतिहास दोनों एक दूसरे का प्रवृत्ति है, इसके बिना हम इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते तिथि के बिना। तिथि का महत्व है लेकिन इसमें भी क्या है कुछ तिथियों का समय पता पाना मुश्किल है कठिन है। क्यों, कुछ तिथि तो निश्चित होती है लेकिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि अंग्रेजों का भारत में शासन व्यवस्था, तो ये एक खास तिथि में बंधा हुआ नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसीलिए तिथियों का निश्चित जो इतिहास है उसकी तिथि निश्चित तिथि बता पाना कठिन है क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया थी अंग्रेजों का भारत में जो विजय और जो प्रशासन लंबी प्रक्रिया थी। तो ये तिथियों का क्या महत्व है दूसरा प्रश्न बन गया कि तिथियों का क्या महत्व है, कुछ तिथियों निश्चित मैंने बता पाना क्यों कठिन है क्यों मुश्किल है दूसरा प्रश्न। तीसरा है आधुनिक काल का विभाजन किस प्रकार किया गया है, तो हम बताएं कि ब्रिटेन का अर्थशास्त्री और विचारक जेम्स मिल इतिहास को तीन भाग में काल को तीन भाग में बांटकर हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ये तीन भाग में बांटकर इसको बताया है और इसकी जानकारी उसने अपनी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक पुस्तक उसने लिखा उसमें इसने इसकी जानकारी दी। कुछ अन्य इतिहासकार प्राचीन काल मध्यकाल और इतिहास या आधुनिक काल ये तीन काल में बांटकर, तो आधुनिक काल काल विभाजन कैसे किया गया है, तो ये प्रश्न का उत्तर ये हो गया काल विभाजन। फिर है चौथा है कि भारत के आधुनिक इतिहास में मुख्य रूप से किन घटनाओं का उल्लेख है, किन किन घटनाओं का उल्लेख, ये भारत का आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से उसमें किन किन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, तो घटना के बारे में हम एक एक घटना ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और स्थापना और उदय से शुरू किए ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक राजस्व नीति जो भी पॉइंट इससे पहले औद्योगिकरण 1857 का विद्रोह नवीन शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रवाद के प्रेरक तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम, तो इन सारी घटनाओं का विवरण किया गया। तो इस प्रकार चार प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि भारत के इतिहास में मुख्य रूप से किन किन घटनाओं को ये जो हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं पहला पार्ट कब कहाँ और कैसे, तो कब कहाँ और कैसे इसमें किन किन चीजों का उल्लेख इतिहास से संबंधित किया गया है, तो ये सारे पॉइंट के बारे में हम अभी आपको चर्चा करके बता रहे हैं। आप इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे अच्छे से और फिर अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा होगा नहीं समझ में आएगा तो वो आप हमसे
जानकारी लेते रहेंगे। फिर आगे पॉइंट है, उसको हम लिख रहे हैं। Okay.